हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जिंदगी के पिटारा में। और आज जिंदगी के पिटारा में एक और नए ब्लॉग के साथ मैं हूं आपके सामने। और आज का ब्लॉग है मेरे भाई का बर्थडे का ब्लॉग। एक्चुअली मेरी मौसी जी मेरे पास आई हुई है और उनको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अभी रिसेंटली जितने भी ब्लॉग हैं उसमें मेरी मौसी जी को आपने साथ में जरूर देखा होगा। तो आज जिस मेरे भाई का बर्थडे है वो उन्हीं का बेटा है और उसका नाम है अमनदीप मल्हान, और वैसे प्यार से हम उसको मनु बोलते हैं। और वो अभी घर पर नहीं है, वो शिप पर है। मेरा भाई मर्चेंट नेवी में है और वो शिप पे गया हुआ है काफी दिन से, लेकिन वो नहीं है। फिर भी हम उसका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी मनपसंद चीजें लाए हैं और वही हम खाएंगे। और मौसी जी ने उसके लिए खीर बनाई है, मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे सुबह उसकी वीडियो कॉल आ गई थी, हम सब ने उससे बात की। वही कॉल कर सकता है, हमारा कॉल तो लगता नहीं है। समुंदर में बैठा है, चारों तरफ बस समुंदर और फैमिली से बहुत दूर है, तो वही कॉल करता है और शाम को भी वही करेगा। तो वो उसने जो टाइम बताया है उस टाइम हम सब रेडी रहेंगे। तो अभी इसी सब तैयारी में लगे हुए हैं, बर्थडे की तैयारी में, कि उसके कॉल आने से पहले सब कुछ तैयार हो जाए। हम उसके लिए केक भी लेके आए हैं और समोसे, गुलाब जामुन, जलेबी, उसको बहुत पसंद है समोसे, मतलब दीवाना है वो समोसे का। तो आज हम वही लेके आए हैं और जलेबी वगैरह मौसी को पसंद है, तो बस यही सब चीज़ें लाए हैं, अभी इसी तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए अभी मैं आपको तैयारियां दिखाती हूँ साथ साथ में। और मैं तो रेडी हो गई हूँ, मौसी जी भी रेडी हो रही है, मम्मी भी रेडी हो रही है और उसका कॉल भी आने वाला होगा। उससे पहले हमें सारी तैयारियां करनी है। और फ्रेंड्स, आज निधि नहीं है हमारे साथ, तो हम उसको भी बहुत मिस कर रहे हैं और उसको ध्यान नहीं है कि हम ऐसे पार्टी करने वाले हैं, तो उसको बहुत बुरा लगेगा फिर, देखना उसको जब पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं अभी जो भी हम तैयारियां कर रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मौसी जी क्या कर रही हैं, ये वही पुराना काम कर रही हैं। आज इनके बेटे का जन्मदिन है यानी मेरे भाई का, और ये खीर बना रही हैं। हर बच्चे के बर्थडे पे ये खीर बनाती हैं। तो ये देखिए, और ये तैयार हो गई है आज तो मस्त। जो चीजें उसको पसंद है ना वही लेके आए हम। ये देखो, समोसे पसंद है, समोसे लेके आए, समोसे पसंद है और जलेबी इनको पसंद है, तो दोनों चीजें ले आए। तो और क्या, ये जलेबी है देखिए, गुलाब जामुन भी है और गुलाब जामुन भी है, मौसी को पसंद है। तो बस ऐसे ही हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं इनके साथ। वो तो दूर बैठा है, उसको वीडियो कॉल करेंगे हम जब केक वगैरह भी ले आए हैं, केक कट करेंगे। तो और इनकी खीर भी रखी जाएगी भाई साथ में, खीर बन गई है, बहुत अच्छी खीर बनाती है वैसे ये। और फ्रेंड्स, ये है मनु के बर्थडे का केक और इस पर लिखवाया है मनिया, क्योंकि मौसी मनु को प्यार से मनिया ही बोलती है। और कैंडल्स भी हमने लगा दी हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी बर्थडे चालू है मेरे भाई का, हम चले अभी केक बनाएंगे, सारे मना रहे हैं, सभी मना रहे हैं, वो तो है नहीं, तो चलिए आता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, और केक वगैरह तो कट हो गया, बस अभी कट करके मौसी नाना जी को खिलाएंगी सबसे पहले केक और फिर हम मौसी को खिलाएंगे। ये देखिए यहाँ पर चल रहा है केक कटिंग और केक खाइंग। खिलाने का प्रोग्राम अभी मैं भी खिलाऊंगी सरिला को। और ये दोनों बहनें इसी काशीपुर में अस्पताल साल पहले ही इकट्ठे साथ ये देखिए आज के दिन यही थे काशी। और अभी आपको मौसी कुछ बताएंगी, आज कुछ इंटरेस्टिंग है उसके बर्थडे पे, तो आप मौसी से ही सुनिए। मैं 31 साल बाद यहाँ पे हूँ, इसी यही काशीपुर के हॉस्पिटल में मनु पैदा हुआ था और आज मेरे को मौका मिल गया 31 साल बाद। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा भी लग रहा है। और इस वक्त बस मनु कुछ मिनटों का ही था,
जन्म हुआ था 8:12 पे, अभी कुछ ऐसा ही है, बस 8:30 का टाइम होगा आज, बिल्कुल सही टाइम पे केक कटा है उसके बर्थडे का। 31 साल में पहली बार सही टाइम पे केक, बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो शिप पे है, उसको हम वीडियो बना के भेजेंगे और वो भी बहुत खुश होगा। अभी थोड़ी देर में उसको वीडियो कॉल भी करेंगे हम। आने वाली थी कॉल बट आ नहीं पाई, वो बहुत दूर है ना, तो लगी नहीं होगी शायद। बहुत अच्छा लग रहा है आज मेरे को यहाँ पे इतने सालों बाद सेलिब्रेट कर रही हूँ उसका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। और ये बस ये मौसा, ये देखिए ये नाना जी, तो सबने केक खा लिया है। अभी उसके लिए उसकी पसंद की जो जो चीजें लाए वो भी खाएंगे, वो दिखाया। तो फ्रेंड्स, आज मन्नू की जन्म भूमि पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। वो नहीं है, बस यही कमी रह गई, उत्तराखंड में हरियाणा काशी, हरियाणा का बच्चा है आज के दिन वो, लेकिन उसकी जन्म भूमि काशीपुर उत्तराखंड है। तो यही उत्तराखंड काशीपुर में उसका जन्म हुआ था और इस टाइम वो कुछ मिनट्स का ही था और सही टाइम पर उसका आज केक कट किया है। सब बहुत खुश है, मौसी तो बहुत इमोशनल हो रही है और हम भी उसको बहुत मिस कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि उसकी पसंद की क्या क्या चीज़ें हम लेकर आए हैं। रुक जाओ, तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी क्या क्या पसंद की चीजें हैं और वो हम लेके आए हैं। और भी इंटरेस्टिंग एक बात बताऊंगी मैं आपको, अभी आप ये चीजें देखिए, ये देखिए ये समोसे, और उसको समोसे इतने ज्यादा पसंद है ना कि वो बासी भी खा लेता है, मतलब इतने ज्यादा पसंद है। और बासी क्यों खाता है वो भी मैं बताती हूँ। और गुलाब जामुन है, ये भी उसको बहुत पसंद है। और आज मंगलवार है तो हनुमान जी का प्रसाद है, ये मम्मी पापा गए थे और ये खीर बनाई है मौसी ने। और बस साथ में पीने के लिए हम माजा लेके आए, हम तो यही पीते हैं, वो काली वाली ये वो सब कोल्ड ड्रिंक हमें अच्छी नहीं लगती, तो बस ये है। अच्छा, और ये जो बासी समोसा खाता है ना, नहीं पहले तो मैं ये बता दें समोसा क्यों पसंद है, क्योंकि मौसी तो चलिए मौसी बताएंगी उसको समोसा क्यों पसंद है। इसलिए पसंद है क्योंकि जैसे जिस साल वो पैदा हुआ था तो 19 को मैंने समोसे जलेबी मंगवाए थे, तो वो लाने में लेट हो गए थे, हम खाना खा चुके थे, तो मैंने जलेबी तो खा ली रात को, खाने के बाद समोसे बच गए। सुबह उठ के मैंने बासी समोसा खा लिया और उसके बाद हॉस्पिटल आ गई। तो एक तरह से बासी समोसा खा के वो उसको पैदा किया था। तो इसलिए उसको समोसा इतना पसंद है और वो भी बासी समोसा बहुत ज्यादा पसंद है, दो दो दिन के खा लेता है, फ्रिज में रख देता है और वो खाता है बड़े शौक से। कहते हैं ना कि तेरी माँ ने क्या खा के पैदा किया था, तो वो समोसा खा के पैदा किया था और उसको वही चीज इतनी ज्यादा पसंद है। तो ऐसा बहुत कम होता है लेकिन उसके साथ है ऐसा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बस केक कट हो गया है, शिप चला रहे हैं और हम उसका बर्थडे यहाँ से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, वो कर रहे हैं, समुद्र में बैठा है चारों तरफ, उसके पास फैमिली नहीं है, बस फोटोज और वीडियो जाएंगी। तो अभी काफी साल से ना वो बर्थडे सेलिब्रेट कर ही नहीं पा रहा है, बाई चांस इसी टाइम जाता है वो शिप पे और 6 महीने बाद ही खाता है, मचड़ने में ऐसा ही होता है। पर चलिए कोई बात नहीं, हम बहुत खुश हैं और मौसी इमोशनल हो गई है, ये देखिए इमोशनल हो रखी है। ये तो आज सुबह से ना बहुत बार इमोशनल हो चुकी है, उसका वीडियो कॉल आया तब भी ऐसे ही इमोशनल हो रखी थी और अभी भी देखिए, पर खुश है, ये ऐसे ही खुशी के आंसू हैं कि इतना अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया और ये यहाँ पे हैं। ये सब खाने बैठ गए हैं, पापा और नाना ने केक निपटा भी दिया है, हम बातों में रह गए। यो चम्मच चाट रहे हैं नाना जी और मेरे पापा प्लेट चाटेंगे अभी शायद, और हम अभी खाएंगे केक, ले लेते हम भी चाट चाट के खा लेंगे, इसी में ले लेते हैं। ये लीजिए, बहुत बढ़िया केक है, एकदम स्वादिष्ट ब्लैक फॉरेस्ट केक लेके आए हैं, मन्नू के पसंद का है। पापा कृपया और मिलेगा, कृपया और मिलेगा क्या? ये देखिए इनकी फरमाइश, कृपया और मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी बर्थडे टू यू मनु। ये आपको दिखा रहे, मैं खा लूं। और अभी मैं भी बैठ गई हूँ केक खाने के लिए, मैंने बहुत मेहनत की है
केक वगैरह लेके आई हूँ मैं, तो अभी मैं खाऊंगी बैठ के जम के। लो भाई खिला देती हूँ मैं मंदिर की दीदी को, हमारे घर की सबसे बड़ी बेटी है ये और मैंने इसका फोन में नाम भी यही फीस कर रखा है, मेरी बड़ी बेटी इसलिए मुझे सब सोनू दीदी बोलते हैं और मेरे नाना जी भी मुझे सोनू दीदी बोलने लगे क्योंकि सारे छोटे भाई बहन सोनू दीदी बोलते हैं। तो तो फ्रेंड्स बस इस तरीके से हमने मनु का एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन किया। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये बर्थडे सेलिब्रेशन? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।